नारायण 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 नारायण। प्रश्न भीतर से उपजता होना, कैसा प्रश्न करो? विचार पूर्वक प्रश्न किया असली प्रश्न नहीं होता। जैसे भूख लगती है, जैसे प्यास लगती है, ऐसे किसी बात के जानने की भीतर में लालसा लगे और वो प्रश्न किया जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, उसे उसका उत्तर बहुत बढ़िया होता है, चर्चा बहुत बढ़िया होती है। और ये ऊपर से भी अब बात कैसे हो जाए, तो ये बात प्रश्नोत्तर से नहीं होता। सब कुछ वासुदेव ही है, परमात्मा ही है, ऐसी बुद्धि कैसे हो? तो बता तो दूंगा, परंतु इनसे हो जाए ऐसे मेरे दृष्टि नहीं है। अब पशु है, कोई पक्षी है, कोई वृक्ष है, सब एक कैसे हो जाए? तो एक का तात्पर्य क्या है? इनमें सब में एक बुद्धि होने का तात्पर्य क्या है? अगर इनके धातु से देखा जाए तो किसी जल पावक गगन समीरा पंच रचती है अजम शरीरा। जैसे सोने के गहने, ध्यान देकर सुनो भाई, ये गहने सभी कोई हाथ में, कोई पैर में, कोई नाक में, कोई कान में ऐसे पहनने के होते हैं, और आकृति भी अलग अलग होती है, नाम भी अलग अलग होते हैं, परंतु सोने बुद्धि में क्या फर्क है? तो सोना से पैदा हुए हैं, बने हैं, सोने के बने हुए हैं, ऐसे ये सब मिट्टी से बने हुए हैं, सिवाय मिट्टी और किससे बना? वृक्ष बना था, मनुष्य बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, कोई बनो, सिवाय मिट्टी के और क्या है? सबको जरा कर देगा तो मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी लीन हो जाएगी, सोने से ही ज्ञान बने हैं और अंत में सोना हो जाएगा, गाल कर दे कोई हो जाएगा, तो सोना ही है। ऐसे ही पार्थिव शरीर जितने हैं पृथ्वी के, सब पृथ्वी से बने हुए हैं और पृथ्वी से ही पलते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं और पृथ्वी में लीन हो जाते हैं अंत में, तो इसमें एक बुद्धि होने में क्या बाधा है? जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि करने में क्या हो जाता है, लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा है केवल, ये बुद्धि होने में क्या जो रहता है? मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के घड़ा मटकी ठिकरी, उसमें सब मिट्टी है, ऐसा देखने में क्या बाधा रखते? ऐसे ही सब पांच भौतिक है, पृथ्वी जल से वायु आकार से बने हुई सृष्टि है, तो एक धातु एक चीज है, उसी से बने हुए है, इनमें एक बुद्धि करने में क्या बाधा लगती है बताओ? जिस भाई ने पूछा है कि एक बुद्धि कैसे करें, कि मनुष्य शरीर अलग दिखता है, वृक्ष अलग ही दिखता है, गाय भैंस भेड़ जी अलग ही दिखती है, तो अलग दिखती उनमें एक कैसे करे? अविभक्तम विभक्त इसको, विभक्तों में अविभक्त, विभाग रहित, तो इसका कारण है वो विभाग रहित है और अंत में विभाग रहित हो जाएंगे, तो उनके रहते हुए भी ये एक रूप समझने में क्या बाधा है? तो ये जब तक आपकी भीतर से लगन नहीं होगी तब सीखने से ये विद्या नहीं आती। ऐसी है तो सीखने से बताया, उसे सोना है, लोहा है, मिट्टी है, ऐसा आपको बताया, ऐसे देख लो, इस तरह से देखा जाए, किस तरह से देखा जाए? जैसे सोने के गहनों में सोना ही सोना होता है, मिट्टी के बने हुए बर्तनों में मिट्टी मिट्टी होती है, लोहे के बने हुए अस्त्रों में सब लोहा ही लोहा होता है, ऐसे ही पृथ्वी से बने हुए, पांच भूतों से बने हुए जितने पदार्थ है सब पांच भौतिक है, एक ही है। इसमें बाधा क्या लगती है बताओ? पूछो। ग्रहणों का नाम अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, तोल अलग अलग है,
ये अलग होते हुए भी सोना बुद्धि में क्या बाधा आई। ऐसे ये सब शरीर एक मिट्टी बुद्धि हो जाती है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सब मिट्टी है, मिट्टी से बने हुए हैं, इसमें क्या बाधा दिखती है आपको बताओ। नहीं रहने में कारण क्या है, आप मूल में समझो तो कारण क्या है। नाना तो ज्ञानों में नहीं जाता है क्या, तो फिर रहता है नाना तो फिर एक ही होती है। ऐसे ऐसे शस्त्र बने हुए शस्त्रों में नाना तो बुद्धि रहती है और एकत्व भी रहता है। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी है ऐसा रहता है और नाना तो रहता है, काम भी अलग अलग लेते हैं। इसमें नाना तो रहना हेतु नहीं है, नाना तो रहना हेतु नहीं है। मूल में चीज है उस पर आप ध्यान नहीं देते, और कहने पर भी सुनने की कहने की बात ही समझते हो, ये काम में लेने हैं, अब अपना ऐसा ही करना, वो विचार नहीं होता। मात्र वस्तु में राग द्वेष इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न बस मागत से तो ये परिपंथित हो, यही शत्रु है खास। किसी को बढ़िया किसी को घटिया, किसी को सुखदायी किसी को दुखदायी, और इसे मूल में ये सुख दुख दूसरे देते हैं, ये मूल है, मूल पकड़ा हुआ, अब एक तो नहीं हो सकती। इसने दुख दे दिया, इसने सुख दे दिया, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये जो भावना भीतर की, ये एक तो नहीं होने देती। कार्य कारण को न जानने के कारण नहीं हो सकता, कार्य कारण को नहीं जानने से तो ये बात नहीं होती। नहीं, कार्य कारण जानने में तो बाधा नहीं होती। मैंने कहा उसे जान लो, जैसे एक मिट्टी के ही बने हुए हैं, कार्य कारण तो सीधा है। अब कार्य कारण मैंने सीखा है थोड़ी, आप ही कहते हो कार्य कारण तो आपको पता था ही। ये दूसरे सीखा तो आप जानते हो कार्य और कारण, तो कारण एक होता है, कार्य एक ही होगा, कारण भिन्न न होंगे परंतु कारण से एक ही होगा, तो कार्य कारण कोई कारण नहीं इसमें। अब इस बात कहने पर भी ध्यान नहीं देते। मैं कहता हूं आप अपना राग द्वेष मिटा दो ठीक हो जाएगा, करके देख लो, फिर नहीं आओ तो मेरे से कहना नहीं हुआ। एक में राग और एक में द्वेष, ये खास है बाधा। ये जब तक रहेंगे तब तक एक सुनोगा नहीं, होगा नहीं। उसने व्याख्यान दिया था, सुख से दुख से नको भी जाता परो दे जाती कुमुती रेसा। और इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, आपके तो ध्यान में जाते क्या आप वैसी रुचि से सुनते नहीं, ऐसे करना है हमारे को, ऐसी रुचि नहीं सुनते। बाजार में सैल करते हैं, बाजार में देखते करते हैं, माल लेना नहीं है, खरीदना नहीं है, देखना है, सैल करनी है, ऐसी मेरी बातें सुननी, सैल कर देंगे तो सैल हो ही जाती है। उस दिन मैंने कहा था क्या क्या बातें कही याद है, पर किसी अच्छी लगी आपको बताओ। पूजा दिया वही बोलता है जो बोलता है, पूजा दिया उसको ही बोलने का अधिकार है। जगत में कहां से बोलूंगा, जिसका प्रश्न है वो बोले, बोलो।
क्या कारण है? उनकी बात सुन रही है, याद नहीं है, बोल रहे बोलने याद नहीं है, बोल रहे क्या जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर जो दिया वो याद नहीं है। याद होगी तो उसका खुद का प्रश्न है ही नहीं, याद रहता है, याद कैसे है? जिसका प्रश्न हो उसको याद रहता है, हर प्रश्न वो लगन हो, जैसे भूख लगी हो, प्यास लगी हो, ऐसे उसके प्यास लगे तो उसको याद किया जाए, छूटेगा नहीं। ऐसी की बात कितनी नहीं याद रहेगी, सी की बात याद नहीं रहती। असली प्रश्न होता है वो भूलता नहीं, रोग हो कोई दवाई बता देगा हमको रोग है ऐसा रोग तो भूल जाता है, सारे करते हैं सब संभव करता है, कमा सारे खेल है। बोलो जिसने प्रश्न किया वो बोलो, एक तो हो जाए इसके लिए युक्ति बताओ, मैंने युक्ति बता दी, मैंने उसने एक बहुत मार्मिक बात कही, कई बातें कही जिसने एक मार्मिक विशेष ध्यान दे जिस बात कही थी कि दूसरा कोई दुख देता है उसका दुख कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि दूसरा कोई न कोई रहेगा जीता रहेगा तो दुख मिटेगा कैसे, दूसरा कोई नहीं रहे तो मिटे, अरे दूसरा दुख देता है अब हर धारणा, अरे दूसरा जीवेगा कोई न कोई दूसरा मिल ही जाएगा तो दुख देने वाला मिल ही जाएगा, दुख मिटेगा कैसे, कभी मिटेगा नहीं, संभव नहीं मिटना। दूसरा दुख देता है ये बुद्धि हटा सकते हो, हटा दे तो निहाल जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। अगर दूसरा दुख दे सकता है तो दुख नहीं मिटेगा क्या कभी किसी दिन में भी, मिट नहीं सकता, क्यों दूसरा जब तक जीवेगा तब तक कैसे दुख मिट जाएगा, अगर दूसरा जीवेगा ये देवता जाओ पशु जाओ पक्षी जाओ भूत प्रेत पश्चात राक्षस असुर बन जाओ तो दूसरा रहेगा, दूसरा देता है दुख कैसे दुख मिटेगा, उसका कभी दुख मिट नहीं सकता, दुख देने वाला दूसरा नहीं है, आप दुख मान लेते हो। अब बिजली चमके रात्रि में जब गति दुर्लति भाव है क्या उसे बिजली बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगा बताओ, अब बिजली समृद्धि कैसे बंद हो जाएगी, वो कुछ भी करे तो ऐसे दूसरा दुख जाए तो कैसे बंद हो जाए, लोगों हो गई थी तो दुख दूसरा देने वाला नहीं है, दूसरा दुख देने वाला नहीं है, आप ही दुख मान लेते हो। मैंने एक कहानी सुनी थी और सुनाई आपको, एक सज्जन किसी गांव गए तो गांव में दोनों बेटियां ब्याही हुई थी, अपनी अपनी दो लड़कियां ब्याही हुई थी और उनके काम दो था, एक तो खेती करता था एक अपने भांडे बनाता था मिट्टी के, तो एक से जाकर मिला, बेटा कैसे क्या है, कि पिताजी अब चार पांच दिन अगर वर्षा नहीं हुई तो खेती सूख जाएगी कुछ नहीं होगा। दूसरे से मिले तो वो बोली कि मेरा अगर पांच सात दिन वर्षा होगी तो मिट्टी हो जाएगी सब गिर जाएगा, अब राम जी पंचायत में बड़े वर्षा करे कि नहीं करे पता, तो राम जी दुख देते हैं वर्षा दुख देती है, वर्षा तो अपन ढंग से ना दुख देती है ना सुख देती है, अपन ढंग से हो जाएगी तब दुख पाओ, दुख पाओ कोई सुख पाओ तो अपना किया उसको दुख है वो, मैं तो वर्षा भी है दुख सुख, बर्तन रखे हैं आवा बनाया है सूख जाए तो होगी तो आवा में दे दे तो पक जाएगी तो जीविका चलेगी, वो कहते पांच सात दस दिन अगर वर्षा नहीं हुई तो खेत सूख जाएगा, फिर तो भूखा मरेगा। अब बोलो क्या कहूँ, वर्षा करें कि ना करें, तो वर्षा में सुख दे दिया वर्षा में दुख दे दिया, वर्षा में सुख दिया ना दुख दिया, वो अपने ढंग से बरस दे जाती है, आप वो सुख मान लेते कोई दुख मान लेते,
ऐसे दुनिया का प्रवाह चलता है, उसमें कोई सुख मान लेता है, कोई दुख मान लेता है। परो दे जाती है कुबुद्धि जैसा, ये कुबुद्धि है, इस कुबुद्धि को छोड़ दो। आप इतने सुनते हो, अगर एक काम आज कर लो, इस कुबुद्धि का त्याग कर दो, कभी उसने दुख दिया, भीतर से बिल्कुल खता उठा दो, देखो आपके राग द्वेष मिटते ही नहीं, समय एक बुद्धि होती है कि नहीं होती। और ये आप मिटाओ तो मिट जाइए, ये आपकी पकड़ी हुई है, भगवान का दूसरे दिया हुआ है नहीं, आपने आप पकड़ा है, इस पकड़ को छोड़ो। दूसरे का दुख दे सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है। और मैं एक बात कही थी कि परमात्मा परम दयालु है और सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है, उसकी जीते जी किसी को कोई दुख दे सकता है? याद है कि नहीं, मैंने इस बात कही थी, अभी याद ही नहीं है, पूछे तो याद ही नहीं है। अब लाओ काम में कैसे, भगवान के रहते हुए किसी को कोई दुख दे सकता है? परम दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, फिर दुख कैसे दे देगा दूसरे को? अरे आप मानते रहो, कौन मना करेगा? ये दो बात याद रखो, एक तो भगवान की चित्त कोई दुख दे नहीं सकता, एक दूसरा दुख दे दुख मिट नहीं सकता। ये बात है गलत, गलती छोड़ो ठीक हो जाएगा, सही बात हो जाएगी। भगवान कहे तो कौन दुख दे सकता, कोई नहीं दे सकता, ये मानो। और दूसरा दुख दे देगा तो फिर सुख होने का है ही नहीं, कभी सुख नहीं होगा, दूसरा तो कोई ना कोई जीवेगा ही रहेगा ही, तो वो दुख देते ही रहेगा, कैसे मिट जाएगा? कितनी प्रबल युक्ति है, और वो ईश्वर कितनी परम आस्तिकता है, आस्तिकता पकड़ो तो दुख नहीं रह सकता। और धातु चीज से समझो तो दुख कैसे दे सकता, कोई दुख कोई नहीं दे सकता। तो ये बात होने पर वासुदेव सर्वम ये बुद्धि से हो जाएगी। दूसरा क्या था? दूसरी तो आई है सर, कृष्ण की बात बाद में बताएं, पहले अपने मन की बात बता दें। हमारे मन की बात तो यही है भाई, राग द्वेष मिटाओ, अपना राग द्वेष मिटाओ, मूल चीज ये है। गीता ने ऐसा कहा है, तो यह से परिपंथी नौ, ये दो मार्ग में लुटे रहे, इनका उपाय बताया कि तो न बस तो इससे परिपंथ में दोनों शत्रु है। बहुत वर्षों की बात है, मैं कलकत्ता रहता था तो चलते फिरते गीता जी का पाठ करता था, तो वो यहाँ दिन याद नहीं, जैसे दिन याद है, घूमते हुए वो इधर भगे जैसे उधर किले की तरफ सड़क पर जा रहा था, और वहां ये चिंतन हो रहा था, पाठ कर रहा था, इंद्रिय से राग द्वेष को व्यवस्थित हो, राग द्वेष तो व्यवस्थित है भाई, तो क्या करेंगे? बस मैं प्रसन्नता हुई, वो भगवान ने कैसा उपाय बताया कि इंद्र बस ये भूत मत हो, राग द्वेष आ जाए तो आ जाए। बड़ी खुशी आई, बड़ी प्रसन्नता हुई मन में, भगवान ने कितनी बढ़िया बात बताई है कि तय और न बस मागत से तो ऐसे परिबंधन हो, राग के वशीभूत और ग्रहण करना और द्वेष के वशीभूत और त्याग करना, उस ग्रहण में त्याग में नुकसान ही नुकसान है। ग्रहण त्याग तो वस्तु का होगा, अरे भीतर राग और द्वेष भर लिए, अब उन्हें भला कैसे होगा? तो हमारी तो बहुत प्रसन्नता हुई भाई, तय और मैं बस मांग के थे इस पद को लेकर, मैंने प्रसन्नता हुई कि भगवान ने उपाय कैसा बढ़िया बताया, राग के द्वेष के वशीभूत नहीं होना, कैसा बढ़िया होता है। तो वो प्रसन्नता हुई ना, इस बात वो बात याद है अभी तक। चलते फिरते पाठ कर रहा था, पाठ करते करते हाजिर साहब ने उसे न कोई व्याख्यान दिया, न कोई सुना, न कोई किसी ने पूछा, इसे झट जाएगा ठीक है उपाय, फिर काम में लाओ, हो जाएगा जरूर, गीता है,
ये रामबाण उपाय है, ये हो रहेगा नहीं है। व्यभिचारी अव्यभिचारी अव्यभिचार नहीं भक्ति, अव्यभिचारी उपाय है, ये कभी फायदा नहीं होता। तय और न बस मागर से बस ही पूछना हो। अब किसी राग हो गया तो सदागत हो गया, द्वेष हो गया तो सदा के लिए उसे द्वेष हो गया। बहुत गलती की बात है। भागवत में तीन बार आया ये पशु बुद्धि है, राग द्वेष करना। ये पशु बुद्धि मनुष्य को निकाल देना चाहिए। पशुओं को बैर हो जाता है तो बैर रखते साथ में। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि हट जाती है। पहले भाव अच्छा था, फिर किसी कारण से उनके द्वारा कोई भूल हो गई तो हमारा बैर हो गया। अब बैर सदा के लिए बांध दिया, ये खराब आदमी है, खराब आदमी है। अब वो खराब तो है कि नहीं पता नहीं, तेरी बुद्धि खराब हो गई, इसमें समझे नहीं। अब वो खराब है तो मिट नहीं सकता, और अपनी खराब बुद्धि तो दूर कर सकते हैं। ये बात है। वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्यैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय नमः। वसुदेवस्तुं शिवं चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाधात् पीताम्बराधरणबिन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरिबिन्दनेत्रात् कृष्णास्वरं किं पृथक्तमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं। आप कहते तुम्हारे मन की सुनाओ, तुम कुछ पूछो मत, मत छेड़ो मत मेरे को। मन का तुम्हारे मन में उसे गया, हम कह देंगे। हमने ये आपको घुर बताया था कि मैं इस बात का प्रचार चाहता हूँ कि अपनी बात छोड़ करके दूसरे की बात रखने, इस वास्ते मैं मेरी बात छोड़ करके आपकी बात रखता हूँ, क्योंकि ये प्रचार चाहता हूँ आप में ऐसा प्रचार हो जाए तो बढ़िया से बढ़िया बात मन में आई। तो मैं मेरी बात पहले नहीं कहता, आपकी बात पहले कहता हूँ। तो आप ये धारण करो कि अपनी बात नहीं पूछ रही, स्वामी की बात सुननी है तो बहुत ठीक हो जा, सब बैठ जाए ठीक तरह से। आप तो अपनी मर्जी के मुताबिक सुधारना चाहते, फिर कैसे बैठेगा। मेरा तो स्वभाव है, मैं इसको उपाय मानता हूँ, अपने जीवन का उपाय है कि दूसरे की बात रखने में अपनी बात छोड़ देनी, दूसरे की बात का आदर करना, दूसरे की बात माननी। तो आपके सामने मन तो चला जा रहा हूं, तो आप भी ये सीख जाओ। कल हमारे पास एक शिकायत आई कि पहले आप सुना दिया करो, पीछे लोगों ने सुनो। पहले सुनो तो ठीक नहीं, पहले 15-20 मिनट तो आप कह लो अपने मन की बात। मन भी कह देंगे, मौका मिले तो कह देंगे, उनको दूसरा कहेगा तो मेरे को आदत है कि दूसरे की बात रखनी। ये सीख जाओ आप, ये भी तो व्याख्यान है। क्या कमजोर है ये बात, जो विवाद बजे उसकी बात रखनी है अपने। अरे आपकी बात रखते आया हूं मैं, सफेद बाल हो गए मेरे, कि आपकी बात रखते रखते रखते। तो ये भी आप सीख जाओ, अगर सुनकर सीख रहे हो तो कोई विवाद हो। अच्छा भाई हृदय रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों है, हंस कर तो उधर दीजिएगा हाँ बाबा जी यूं है। इसी बात है, दुख मत यार, अपनी दिल है ही नहीं, अपनी कोई मांग है ही नहीं, अपनी कोई चाह है ही नहीं। जनता पर छोड़ दो तो ठीक, भगवान पर छोड़ दो तो ठीक, प्राण कर्म पर छोड़ दो तो ठीक, मर्जी होता है अच्छा रहेगा जिसको छोड़ दो। कर्मों का समाजी हो जाएगा, जनता कहे जो कर लेंगे, भगवान की मर्जी जैसे ही होगा। राम की अनता है सो ही हो ही, करे अन्यथा ऐसे नहीं कोई, तो फिर क्यों अपना मालनों बिगाड़े भाई। ठीक है ठाकुर जी मर्जी हो, बहुत ठीक है,
यूं और बहुत अच्छी बात, अब ये भी सही, ठाकुर जी मर्जी होगी अपने ही रहेंगे। जाए विद राख है राम ताई विद रही है, कि सीताराम 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 कहिए, जाए विद राख है राम ताई विद रही है, क्या बदल गए, सब ठीक हो जाएगा। करके देख लो, बहम हो तो करके देख लो, अगर बहम नहीं तो पूछ लो कि ये बनेगा नहीं, वो बताओ। अरे आपके हाथ की बात है, बिल्कुल अपने हाथ की बात है। दूसरे की बात रखो, बहुत लाभ होगा। दूसरों की मर्जी के अनुसार काम करो, मैं नहीं कहता उल्टी सुलटी करो, शास्त्र से विरुद्ध करो, संत महात्माओं के सिद्धांत से विरुद्ध करो, ये नहीं कहता हूँ। शास्त्र के अनुकूल है, कोई विरुद्ध बात है नहीं। ऐसी बात हो तो उसमें अपने क्यों टांग अड़ावे, प्रगति होगा। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात। ऐसे आप करो तो ठीक हो जाएगा। आप करके देखो, ठीक नहीं हो तो मेरा कान पकड़ो आकर के, तू कहता है जैसे किया होगा तो नहीं मारे। आप जो मंदिर से मार कह देना कहते तुम्हारी गलत बात है, तुम्हारी क्या बात है, हमने कर देखी हुआ नहीं, तो कह दो पहले करके देखो। अपना राग और द्वेष मिटा दो, इनके सिवाय कोई संसार में बैरी नहीं है, मौज करो। एक संतों की वाणी का दोहा याद आ गया भाई, कर अरु जीव रंगोतरी, ये तीनों बसरक, निर्भय रम संसार में बैरी मारो तक। कर अरु जीव अर रंगोतरी, ये तीनों बस में रख, फिर भगवान फिर क्या करेगा। इतनी सी बात, लंबी सड़ी बात नहीं है, किसी का अनिष्ट मत करो। मनुष्य जब तक दुनिया मात्र को निर्भय अभय दान नहीं देता, तब तक वो अभय नहीं होता। अगर सबको अभय दे दे तो निर्भय हो जाएगा खुद भी, किसी को भय नहीं देता तो उसको भय नहीं लगेगा। एक संत थे अवधूत, मथुरादासी नाम था उनका, मथुरादासी महाराज, यहाँ ऋषिकेश में यहाँ रहा करते थे। तो भिक्षा को जाते तो चिंता पड़ा, उसी से एक लंगोटी बनाते थे। काम में जाते ना तो चिंता इकट्ठा कर उसी लंगोटी बना लेते और बाहर निकलते ही फेंक देते, बस भिक्षा कर आ गया लंगोटी फेंक दी, साफ माँ जाए ऐसे रहते थे। और जंगल में पड़ रहे थे, पहाड़ों में पड़ रहे थे, एक तनसुख राय जी अग्रवाल थे, उन्होंने बात सुनाई थी। वो कहते मैंने संग किया उनका और उनकी बातें सुनी है। तो वो कहते थे महाराज मथुरादास जी कि एक दिन मैं जंगल में पड़ा था, जहाँ कहीं सो गए जंगल में, पहाड़ में कहीं सो गए, गंगा किनारे सो गए, बैठे भजन करते वहीं रहते हैं, ऐसे जंगल में रहते थे। तो किसी अंग्रेज ने एक सिंह मार लिया, सिंह मार लेने वह सिंह नहीं है जो दहाड़ रही थी जोर जोर से। वो कहते मैं सोया था यो, तो वो सिंहनी मेरे सामने आ रही थी, अदेश आ रही है सिंहनी, दहाड़ दहाड़ते आवे नजीक, तो आवाज नजीक मालूम दे कि सिंहनी आ रही है, तो सोता रहा कि सिंहनी आ रही है। कि मैंने किसी को दुख दिया नहीं, किसी को भी, तो मेरे क्या करेगी वो, खा जाए तो अच्छी बात, उसकी भोजन हो जाएगा। वो आएगी मेरे पास थे और मेरे को आकर सूंघ लिया, सूंघ करके बैठ गई सामने, वह धारणा मिट गया, फिर शांत हो चलेगी, मैं मेरे वैसे ही पड़ा रहा। तुलसीदास जी गोरखपुर में रहते थे, उन्होंने बातें सुनी है, मथुरादास जी की बात है, मथुरादास जी अवधूत बिल्कुल लगे रहते थे, चमड़ा हाथी की तरह था उनका, शीत घाम वर्षा सब सह रहते थे।
तो उनके यही विश्वास कि मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं सिंघने का, तो क्या बिगाड़ेगी, और वो को दिखा लेगी तो उसी काम आ जाएगा, क्या है निर्भय पड़ा रहा, पास मार सूंगर में रह गया, सूंगर बैठ गई, शोक मिट गया उसका, बोले सिंघनी का ऐसा ही गया। तो वो हमारे को डर क्यों लगे, हमने अभय दिया नहीं किसी को, तो अभय दे गए सब भूते, सब भूते के स्वाहा, ये 23 मंत्र है सन्यासियों का मंत्र है, सबको अभय दे देता है, भय किसी को नहीं देना है, न शोक करना, न चिंता करना है, न भय देना है, अपने तो बस निर्भय रहो और अभय कर दो दुनिया को, आप अभय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, ये बात है बहुत दामी बढ़िया बात है। आप करके देखो, राग और द्वेष मत करो, ना राग करो ना द्वेष करो, कर जीव और लंगोटी कर में बस नाराज, हाथ हाथ कहीं ना दुख मत दो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, निश्चिंत काम मत करो, अरे चोरी जारी हिंसा और साधु की इच्छा चोरी जारी हिंसा और साधु की इच्छा तो छोड़ दो, मर्जी ये बात है महाराज, कृष्ण शो कर दो, इंद्र सुन लो, करोड़ जीव लो, मुठे नहीं सुन लो, दौड़ चार ही होगा, अपने किसी को ही दुख न दिया, ना किसी ने राग किया, ना किसी से द्वेष किया, फिर देखो आप सब काम ठीक हो जाए। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन सर्गाश्रम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 2 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।